बिहार में आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव को मेरी एक सलाह, अब मोदी सरकार साम दाम दंड भेद से अपनी पूरी ताकत के साथ आपके पीछे आने वाली है, आपको बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि कल आपने जो विधानसभा में भाषण दिया, बिहार की राजनीति में इस वक्त जितने भी राजनेता हैं उनमें आपका कद सबसे बड़ा हो गया है। कुछ लम्हों का इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि तेजस्वी यादव ने कल किस तरह का भाषण दिया और किस तरह से वो भाषण जो है बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक, एक गेम चेंजिंग भाषण हो गया है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। मगर सबसे पहले राजनीति के हॉल ऑफ शेम से तीन चेहरे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तीन चेहरे तेजस्वी यादव से सीख सकते थे, मगर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते ये लोग भाजपा की गोद में या तो बैठ चुके हैं या बैठने वाले हैं। मिलिंद देवड़ा, 35 साल की उम्र में ये व्यक्ति यूपीए 2 में मंत्री था, 10 साल से सांसद नहीं थे, कुलबुला रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, अपनी पूरी विरासत को तिलांजलि देकर भाजपा की गोद में बैठ गए, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गए। अशोक चव्हाण, कल ही इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, अभी तय नहीं है कि भाजपा जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर लगभग माना जाए कि ये भाजपा जाएंगे। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर मोदी सरकार इन पर दबिश डाल रही है और इनके साथ बताया जा रहा है कि एक दर्जन कांग्रेस के विधायक भी जाएंगे। ये भी तेजस्वी यादव से सीख सकते हैं, और तेजस्वी ना सही, राहुल गांधी से सीख सकते थे। आपकी स्क्रीन पर जयंत चौधरी, याद कीजिएगा दोस्तों, जब किसानों पर जुल्म किया जा रहा था, जब खून से लथपथ एक किसान की तस्वीर सामने उभर कर आई थी, तब यही जयंत चौधरी कह रहे थे कि मेरा खून खौलता है, तब यही जयंत चौधरी कह रहे थे कि भाजपा में जो किसान है लात मारो भाजपा को और यहां आ जाओ। आज किसने किसको लात मारी है, किसने किसके आत्मसम्मान को लात मारी है, दुनिया देख रही है। मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव किस तरह से विपक्ष के लिए प्रेरणा साबित हो सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी हैं और साथ ही राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है दोस्तों, और कल एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सामने भाजपा के कार्यकर्ता थे जो नारे लगा रहे थे, राहुल उनसे डर सकते थे मगर नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, अपने कारवां को रोका, और फिर क्या मंजर हुआ आप खुद देखिए। तो सही मायने में कहा जाए दोस्तों, तो भाजपा से अगर इस वक्त दो लोग शिद्दत से लड़ रहे हैं, बगैर किसी समझौते के साथ लड़ रहे हैं, तो वो हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, कल विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया उसके चलते वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गए। और अब लिख के ले लीजिए दोस्तों, लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा हर संभव कोशिश करेगी तेजस्वी यादव को बर्बाद करने की। मैं जानता हूं मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कि विधानसभा में क्या क्या कहा। सबसे पहले नीतीश कुमार पर तंस कसते हुए कहते हैं कि भाई आप तो भाजपा इसलिए छोड़कर आए थे ना कि वो आपकी पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते थे, फिर वापस आप उनकी गोद में जाके बैठ गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा?
2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना, देश भर के विपक्षों को डोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए मोहदे मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा, देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा नौकरी पार्टी का, और संभव है क्या बोले? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट देख क्या रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। और सुना आपने, अंत में उन्होंने नौकरी वाली बात कही। दरअसल यही जो है तेजस्वी यादव की अपील है युवाओं में। वो लगातार युवाओं से बोल रहे हैं कि तुम्हें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ना है या नौकरी हासिल करनी है। वो जरूरी मुद्दों पर प्रदेश के युवा का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के लिए तेजस्वी यादव एक प्रेरणा हो सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था तब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने ये तक कहा कि हम सरकार को बाहर से समर्थन करते और कोई भी माइका लाल सरकार नहीं गिरा सकता था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है आप भी सामने, हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिकर होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जो विचारधारा जो समाज में जहर होने का काम करती है उसको हम लोग भगाने का काम करें, इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम बनवास जाए, लेकिन कई जरूर चाहते थे कि राम जो है बनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा, रोजगार पार्टी नौकरी पार्टी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके साथ, कैकई को पहचानिए, यानी कि धार्मिक प्रतीकों का बहुत ही चतुराई के साथ तेजस्वी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर कोई बनावटी बात नहीं दिखाई देती, यहां पर आपको ठेठ राजनीति दिखाई देती है, और उसमें वो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सामने सम्राट चौधरी भी थे, भाजपा नेता जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। सम्राट चौधरी की पगड़ी पहनते फालतू तरह पहनते उतारने का बात करते, सब करो फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, आप बांध लिए पगड़ी चलो हम मैदान में, आप खोलिएगा, अरे हम पर गलत बात नहीं है, सुन लो यार नवीन जी सुनिए ना, पत्र निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना, बोलो दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय बोलो जी, बाकी आप शांति से बचिए, आप जब बोलिएगा इधर तो नहीं कर पड़ेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो, दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है दर्द है, लेकिन आप
एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं, लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो। इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा, तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहां नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि अब कोई ऐसा बोल सुन नहीं दे रहा। अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेंगे जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी का गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी का गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। मोदी की गारंटी, क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं? और फिर निहायत ही ड्रामाई अंदाज में, निहायत ही अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि मोदी को बिहार में रोकने का काम आपका भतीजा करेगा। तेजस्वी यादव ने जो बात कही ना दोस्तों, इसकी गूंज बिहार की हर गली में सुनाई दे रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं। कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजोक रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ झुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइक का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए, क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग की बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का। तेजस्वी यादव अपनी राजनीति को लेकर इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि उनका जो पिच है वो स्पष्ट है, वो उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे जनता को बांटा जा सके। वो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो जरूरी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम 17 महीने साथ थे और उन 17 महीनों में मैंने बतला दिया कि थके हारों से भी काम करवाया जा सकता है। देखिए नौकरी और 17 महीनों वाली बात पर उन्होंने क्या कहा। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा, अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते थे, हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाने का काम किया है, नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा, दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजय जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा,
तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते हैं, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में, हालांकि हम तो सीएम बने नहीं थे, हम 10 कट कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी हमने कई बार जो है कहा, तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तेजस्वी यादव बहुत ही चतुराई से जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए असहज करने वाली स्थितियां पैदा कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार तो एक ही कार्यकाल में उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, आप जब जनता के सामने जाइएगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने उनसे कहा कि आप क्या जवाब देंगे, तो सुनिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरी वाला पंच किस तरह से मारा। स्थिरता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार में, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग उड़ा कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक ही लोग जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोलिएगा, तू गरियात रहो पहले, अब तू पढ़ाई करते रहो, क्या बोलब, हमने नौकरी दिया ही नहीं, क्या बात कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आरजेडी के 3 विधायक भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गए थे, तेजस्वी चाहते तो नाराज हो सकते थे, मगर उन्होंने उन तीनों को किस तरह से संबोधित किया मैं चाहूंगा आप सुने। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा मेरा छोटा भाई चेतन, जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम, और इनके पिता के गुल पे नहीं, इनके गुल पे नौजवान रोड मैप है, लंबा चल रहा है, टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए, थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जोर निर्णय लिया, हम स्वागत करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, तेजस्वी यादव का मुकाम बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ रहा है, और यह कहा जा सकता है कि बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, ये दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गए हैं। मैं फिर दोहरा दूं, आने वाले 2 महीनों में इन 2 नेताओं पर खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मशीनरी की निगाह रहेगी, हर संभव कोशिश की जाएगी कि इन नेताओं को नीचे लाया जाए, इन्हें फंसाया जाए, इन्हें डराया जाए, धमकाया जाए। यही वजह थी कि तेजस्वी यादव के 3 विधायक जो हैं वो भाजपा के पाले में जाकर बैठ गए, वो डर ही तो है ना जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, और यही बात लगातार तेजस्वी कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं। और हकीकत यह है दोस्तों कि अगर इस राजनीति में, मौजूदा राजनीति में विपक्ष को मुकाबला करना है भाजपा का, तो डर को डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डरेंगे दोस्तों तो अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और जयंत चौधरी जैसी मिसालें सामने उभर कर आएंगी। लालच और डर, इन दोनों शब्दों को विपक्ष को हटाना पड़ेगा अगर वो वाकई भाजपा से मुकाबला करना चाहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।